BIC का कीमती रिकॉर्ड काट कबाड़ में बेचने का इंकशाफ। करोड़ों के रैक गबन करने के लिए रिकॉर्ड भी कबाड़ी को दे डाला। मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल। रेक नीलामी में शामिल ना होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए। कीमती रिकॉर्ड जाने पर इंतजामिया की दौड़े। बड़ों ने अपनी जान बचाने के लिए मलबा स्टोर कीपर पर डाल दिया। साकिब को बतौर सजा माली बना दिया। पंजाब सिकल डेवलपमेंट फंड के इंटरनल ऑडिट का फैसला। प्राइवेट फर्म को 25 लाख रुपए अदायगी का हिसाब किताब होगा। PSDP के लिए गैर मुल्की डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी फंड कर रखी है। प्राइवेट फर्म ऑडिट करेगी। JMNPTI इमरान खान का तैयारा, हादसे से बाल बाल बच गया। इमरान खान रावलपिंडी से खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर के लिए रवाना हुए। तैयारे के उड़ान भरते ही फनी खराबी पैदा हो गई। कप्तान ने तैयारा बाहिफाजत वापस उतार लिया। इमरान खान जलसे में शिरकत के लिए गुजरांवाला चले गए। सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाला महकमा गाड़ियों से महरूम। एक्साइज के जिलाई अफसरान के पास गाड़ियां नहीं। महकमा एक्साइज ने 25 करोड़ की गाड़ियों की समरी हुकूमत को भिजवा दी। डायरेक्टर रैंक अफसरान के लिए 1500-1300 सीसी गाड़ियों की समरी इरसाल। ETOs के लिए 1000 सीसी की 50 गाड़ियों की डिमांड। रीजनल अफसरान की गाड़ियों को मुद्दत पूरी किए 15 साल गुजर गए। सरकारी स्कूलों में लाखों गोस्ट बच्चों का इंकशाफ। 48,000 स्कूलों में 1.25 करोड़ बच्चे जेरे तालीम है। बे फॉर्म के जरिए 92% बच्चों की तस्दीक हुई। 8% बच्चों का कुछ पता नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन का तमाम बच्चों की तस्दीक कराने का फैसला। जो पढ़ेगा वही पास होगा। स्कूल एजुकेशन की 100% बच्चों को पास करने की पॉलिसी खत्म। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बच्चों की प्रमोशन फेल की ऑप्शन शामिल। फेल होने वाले बच्चों का नाम डीमोट वाले खाने में दर्ज किया जाएगा। लाहौर में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की तजवीज। कमिश्नर ने अफसरान से तजावीज मांग ली। आमिर जान की जेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन करने का हुक्म। स्कीमों में सुस्त रवि पर MO इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजहार बरहमी। रेंट इन्फोर्समेंट अफसरान को कारकर्दगी दिखाने के लिए 7 दिन की मोहलत। ले कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के मकीनों का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज। रोड बंद करके लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। कहा बिजली आती नहीं और बिल रुकते नहीं। बिलों से इजाफी फ्यूल टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है। IMF में ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना का लाहौर चैम्बर में खिताब। मिफ्ता इस्माइल मुल्क में गुरबत का अहवाल बताते हुए आप दीदा हो गए। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। We sit here by the grace of God. Otherwise, any one of us could have been there. हाई कोर्ट से सजाए मौत के कैदी बरी होने लगे। हुकूमत भी महकमे प्रोसिक्यूशन की बेहतरी के लिए गैर संजीदा। प्रोसिक्यूटर जनरल खलीकुल जमान ने कोई नोटिस नहीं लिया। हाई कोर्ट के वकालत लाइसेंस वाले वकील को प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं। BC होटल में अलमुस्तफा आई अस्पताल के तहत फ्लड सेमिनार। गवर्नर बलीगुर रहमान का सेमिनार से खिताब। सदर अलमुस्तफा ट्रस्ट खालिद हमीद फजल, DG रेस्क्यू रिजवान नसीर, सदर लाहौर चैम्बर नोमान कबीर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड महमूद अयास की भी शिरकत। पंजाब की 4 यूनिवर्सिटीज को मुस्तकिल वाइस चांसलर मिल गया। डॉक्टर जावेद अख्तर VC यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल तैनात। डॉक्टर मोहम्मद रमजान एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान। डॉक्टर कैसर अब्बास वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा मुकर्रर। डॉक्टर कामरान वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग बन गए।
7,000 स्कूल टीचर्स इंटर्न्स के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट में एक साल की तौसी कर दी। बारात में भी इजाफा होगा, हुकूमत तब्दील होते ही टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ना बढ़ाने का फैसला हुआ था। ब्रिटिश काउंसिल और जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स एक्सचेंज मंसूबा, डायरेक्टर रिसर्च क्रिस्टियन विल्सन का जीसी यूनिवर्सिटी का दौरा, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात, इलामा इकबाल के जेर इस्तेमाल जाती सामान देखा, वफ्त ने तारीखी डॉक्टर अब्दुल सलाम हॉल और बुखारी ऑडिटोरियम का भी दौरा किया। स्कूलों में नासरा कुरान पढ़ाने का मामला, टाइम टेबल और सालाना इम्तिहानात पे नंबर्स का ब्रेकअप जारी, प्राइमरी स्कूलों में 5वीं जमात तक हफ्ते में 3 पीरियड होंगे, हाई स्कूलों में 10 जमात तक हफ्ते में 4 पीरियड का शेड्यूल, नॉन मुस्लिम बच्चों से अखलाकियात का पेपर लिया जाएगा। कार कंपनी ऑडी पाकिस्तान भी पीछे ना रही, लग्जरी गाड़ियों की कीमत में करोड़ों रुपए इजाफा, ई-ट्रॉन की कीमत में 1,52,50,000 इजाफा, नई कीमत 3,24,50,000 हो गई, ई-ट्रॉन जीटी की नई कीमत 4,83,25,000, आरएस ई-ट्रॉन की कीमत 6,80,00,000 हो गई। वज़ीर-आला के आबाई शहर को नवाजने की तैयारियां, गुजरात में 832 नई असामियां तख्लीक करने का फैसला, कमिश्नर ऑफिस में 96, आरपी ऑफिस में 117 नई असामियां मंजूर, एक्साइज ज़राअत हाउसिंग स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन और लाइफ स्टॉक में असामियां तख्लीक, 3,70,00,000 फंड्स मंजूरी के सदा। लाहौर पार्किंग कंपनी का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील, रहनुमा पीटीआई आबिद मीर मुतफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब, डीसी लाहौर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, आसिफ नसीर को जीएमएलपीसी का चार्ज देने की भी मंजूरी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी, एहतसाब अदालत ने फैसले में लिखा कि नए तरमीमी एक्ट के तहत समाप्त का अख्तियार नहीं, अदालत रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस चेयरमैन नैब को इरसाल करती है, रेफरेंस मुतल्लिका फोरम पर दायर करें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुतल्लिका फोरम पर पेश हों, दोनों मुल्जिमान 5,50,000 के हिफाजती श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाएं, शहबाज शरीफ का नया प्लेटर मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इमरान खान के मुल्की इदारों के खिलाफ बयानात, इंदराज मुकदमा के दरख्वास्त पर कार्रवाई 20 सितंबर तक मुलतवी, एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन भंडर ने पुलिस से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली, समनाबाद पुलिस ने बयान दिया था कि दरख्वास्त गुजार शेख मुजफ्फर हुसैन ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर की नामजद की ताखीर का शिकार, असेंबली सेक्रेटरेट को हमजा शहबाज का नाम मौसूल हो चुका, स्पीकर ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी ना किया, ओपोजिशन लीडर के मामले पर नून लीग ने भी खामोशी अख्तियार कर ली। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस में पेशरफ्त, स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स नईम शेख ने फाइनल दलाइल के लिए 15 अक्टूबर की तारीख दे दी, अकाउंट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वकला को बहस की हिदायत, राना सनाउल्लाह ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का लाहौर चैंबर का दौरा, सदर मियां नुमान कबीर और दीगर अहदेदारान से मुलाकात, ताजरों ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस के क्रैकडाउन को सराहा, ताजरों और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल फोकल टीमें तश्कील देने पर इत्तफाक। आए सब मिलकर सैलाब जदगान की मदद करें, हेड ऑफिस में सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी, आपका भेजा हुआ राशन गर्म कपड़े कंबल खेमे और दीगर सामान हम पहुंचाएंगे फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सिटी 42 की काविश जारी, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए, सैलाब से परेशान लोगों को सहारा दें। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतासरीन बेयारों मददगार, किसी मसीहा का इंतजार, नवाबशाह के इलाके फकीर की खोई के मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर, खवातीन और जायदा बच्चों के हमरा बेबसी की तस्वीर बन गई, मुतासरीन राशन मच्छरदानी और खेमों की तलाश में दर बदर।
गवर्नर पंजाब लेको रहमान का इत्तफाक अस्पताल का दौरा, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मजहबी हम आहंगी शबीर उस्मानी की अयादत की, जल्द सेहत याबी की दुआ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुलाकात, खेल खसूस क्रिकेट को फरोख पर तबादला ख्याल, वज़ीर आला के एशिया कप फाइनल में कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का दिल रोब, डीएसपी खालिद मलिक नौकरी से बर्खास्त, डीएसपी बाबर अली की तनजली का हुक्म, डीएसपी नसरुल्ला की एक साल की तनख्वाह में कमी, सूबे भर से 15 डीएसपी पेश हुए, मुतादिद अफसरान को सिनेशोर की सजाएं भी सुनाई गईं। पी सेंटर पाकरम में खवातीन के इस्तेदादी सलाहियतों पर सेमिनार, ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन और एम्पावर वुमेन मीडिया ने तआवुन किया, साजे क्रिस्टोफर, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, अंतीना इनायत, डॉक्टर बदर मुनीर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल, बादलों ने लाहौर के भी चक्कर काटना शुरू कर दिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 सितंबर तक जारी रह सकता है।